तो हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वाले वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी काउंसलिंग को लेकर। ठीक है, पीजी एडमिशन को लेकर 2022 में इस वाले ईयर में बहुत बड़ी एक अपडेट आने लग रही है। आप लोगों का थर्ड कट ऑफ आ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे थर्ड अलॉटमेंट पीजी कोर्सेज का आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई लोग, पीजी कोर्सेज का थर्ड अलॉटमेंट आप लोगों का आ चुका है, थर्ड कट ऑफ आ गई है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, हम लोगों ने सारी कम्युनिटी पर भेज दिया है, उसको फॉरवर्ड कर दिया है। टोटल 47 कोर्सेज की आई है, एमबीए की उसमें नहीं है। ठीक है, एमबीए को छोड़कर सारे कोर्सेज की आ गई है। जिस भी आप कोर्सेज में, वहाँ पर जाके आप अपना कट ऑफ देख लीजिए। जो कोर्सेज खाली लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में, उनके आगे लिखा हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, अभी इनका रिजल्ट थोड़ा सा अंडर प्रोसेसिंग है। ठीक है, जब आप लॉगिन करके पोर्टल पर देखेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखेगा कि कौन सा थर्ड कट ऑफ, आप लोग चेक कर सकते हैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम कम्युनिटी पर। और आप लोगों को इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों का कट ऑफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके अपना देख सकते हैं कट ऑफ कि आप लोगों का कितना गया है। होपफुली सारे लोगों का इस वाली कट ऑफ में हो जाना चाहिए, जिनको भी मिलना था, कैंपस मिलना था या कॉलेज वगैरह मिलना था। ठीक है, तो अपना अपना जाके वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर भी इस वाली वीडियो में भी यहाँ पर आप लोगों को लगा दूंगा, तो आप लोगों को दिख जाएगा। और टोटल 47 कोर्सेज का है, एमए इंग्लिश से, हिंदी से लेकर कंप्यूटर साइंस से लेकर एमएससी बॉटनी बायोलॉजी जूलॉजी और एमकॉम कॉमर्स एप्लाइड कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और सारे कोर्सेज का आ चुका है, जितने भी कोर्सेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में है एमबीए को छोड़कर, तो सारे कोर्सेज का आ गया। तो आप वहाँ पर जाके अपना आराम से देख लीजिए, चेक करिए। ठीक है, तो पीजी का भी यही अपडेट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी इसी में मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लोगों का काफ़ी सारे लोगों का वो था इश्यू था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज करवाना है या कल करवाना है। ठीक है, तो थर्ड अलॉटमेंट आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का लेट में होगा। ठीक है, लेट तक आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट में हुआ है तो जाके आ जाओ और कल में आप लोग करवा लीजिए। जितने ज़्यादा जल्दी आप लोग करवा लेंगे उतना आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थर्ड अलॉटमेंट में बेसिकली उन्हीं को रखा गया है जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड में अपनी फीस वगैरह सबमिट नहीं की थी। ठीक है, उन्हीं को रखा गया है, तो उनको एक्सक्लूडेड कर दिया। एक्सक्लूडेड मतलब उनको हटा दिया गया है। तो भाई अपना आराम से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, वरना आप लोगों का एडमिशन वगैरह में भी कैंसिल हो सकता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज हो किन किन कर रहा है। तो एमए इंग्लिश वगैरह, एजुकेशन होम साइंस और एमएसजीएम मास एंड जर्नलिज्म कम्युनिकेशन और एलएलबी आप लोगों का, एमए सोशियोलॉजी स्टैटिक्स बायो स्टैटिक्स और एमकॉम कॉमर्स और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और एमए इकोनॉमिक्स, इन सभी का आज हो रहा है और एमबीए वगैरह का नहीं हो रहा है। तो आज अगर आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट में भी अगर एडमिशन हुआ है तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कैंपस में जाके, इतना कैंपस जाने का कष्ट करिए। ठीक है, और जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से बाहर से हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ लखनऊ में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जब आप स्टूडेंट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के तो आपको क्लास करने तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना आराम से करिए वहाँ से, आप लोगों को नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहे थे, यहाँ पे मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, तो आप मीडिया वाले में जाके अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आज के मीडिया पेपर में भी निकला था किन किन कोर्सेज का होने लग रहा है। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड अलॉटमेंट कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, तो आप जाके सेकेंड अलॉटमेंट वाले भी जाके अपना देख लीजिए। अगर हो रहा हो तो भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, अपना करवा लो और काम से फ्रेश हो जाओ। ठीक है, तो इतना आप लोगों का ये अपडेट है और क्लासेस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये वाला पीजी थर्ड अलॉटमेंट आ चुका है, आप लोगों का थर्ड अलॉटमेंट का रिजल्ट अभी कुछ देर में दिखने लगेगा। अगर जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा कितने बजे से देख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अपना जाके थर्ड अलॉटमेंट देख लीजिए और कट ऑफ भी दे दिया गया है। तो मे भी हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी आप लोगों का थर्ड अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया हो। पीजी कोर्सेज का लखनऊ यूनिवर्सिटी का बताने लग रहा हूँ, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। बाकी कट ऑफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।